हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से है। वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग पेंटागन के पास फायरिंग हुई है और खबर है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। फायरिंग के बाद पेंटागन को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था और किसी को भी पेंटागन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अभी पेंटागन को खोल दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन के पास बस प्लेटफॉर्म पर फायरिंग की ये घटना है और ये पेंटागन आने का बड़ा एंट्रेंस पॉइंट है जहां से सैकड़ों लोग आते जाते हैं और पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी ने लोगों को पेंटागन के इलाके से दूर रहने की भी बात कही थी। उनके मुताबिक अभी भी खतरा बरकरार है। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि फायरिंग की घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं। तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर और काफी देर तक बंद रहने के बाद दोबारा इस वक्त अमेरिकी रक्षा विभाग का ये मुख्यालय पेंटागन इसके मेट्रो स्टेशन के पास जो गोलीबारी हुई थी उसे अब खोल दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को बंद रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसे खोल दिया है, इस खबर पर यह अपडेट है। और मेट्रो स्टेशन के पास गोलीबारी की यह घटना है जिसे लेकर पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी को भी अलर्ट भेजा गया है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को फिलहाल दोबारा खोल दिया गया है। आवाजाही कुछ देर पहले अभी तक यहां बंद थी और रक्षा विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक जो बताया गया उसके मुताबिक ये बता दें कि मेट्रो स्टेशन के पास बस प्लेटफॉर्म पर गोलीबारी की घटना के बाद ये फैसला लिया गया था। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।